हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A23 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A23 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में असिस्टेंट मेन्यू सेटिंग्स है, तो असिस्टेंट मेन्यू सेटिंग्स के जरिए कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली स्लाइड कर लेना है। फिर आपको एक्सेसिबिलिटी पे चले जाना है। फिर आपको इस पे जाना है इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन सेटिंग पे, तो असिस्टेंट मेन्यू सेटिंग्स आ जाएगी जिसके ज़रिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसको ऑन करना है। ऑन करते ही इसके ज़रिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि हमने शॉर्टकट आइकन्स को ऑन कर दिया है और शॉर्टकट आइकन्स तरीके से शो हो जाते हैं जहाँ से पावर ऑफ मेन्यू पे जाना है, जिसके ज़रिए पावर बटन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑटो रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन वाले ऑप्शन पर टैप करके फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉल के रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड पावर ऑफ के लिए ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही फ़ोन पावर ऑफ भी हो जाता है। एंड आप साइड कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डबल टैप करके कैमरा ओपन कर सकते हैं, वॉलेट भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसको ऑफ़ कर देंगे तो इनका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।